जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेसेंटल मैमल्स को. ठीक है, हमने मैमल्स के ग्रुप पढ़े थे. ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास जो है एनिमल किंगडम में दो तरह के ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है और इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती. वर्टिब्रेट के अंदर हमारे पास फाइव ग्रुप्स थे. ठीक है, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स. ठीक है, और जो हमारे पास मैमल्स का ग्रुप था फिफ्थ ग्रुप, उसको हमने फर्दर थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एगलिंग, पाउच्ड और प्लेसेंटल. ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम एगलिंग और पाउच्ड मैमल्स को डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटल मैमल को. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि प्लेसेंटा क्या होता है. ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो कनेक्शन होता है बिटवीन यंग वन, ठीक है, जो कि बच्चे होते हैं. ठीक है, उनके बच्चे जो है अपनी मदर की बॉडी में ग्रो करते हैं. ठीक है, यंग वन जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बेबीज होते हैं वो मदर की बॉडी में ग्रो करते हैं. ठीक है, ग्रो करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर. हम यहाँ लिख लेते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर. ठीक है, हम यहाँ लिख भी लेते हैं इनसाइड बॉडी ऑफ मदर. ठीक है, मदर की बॉडी में जब ये ग्रो करते हैं तो उनका जो कनेक्शन होता है मदर के साथ वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है. ठीक है, तो वो जो फीड उनको मिलती है, दे आर फेड बाय प्लेसेंटा. ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, जिसका कनेक्शन जो होता है वो मदर के साथ होता है, बच्चे के साथ भी होता है. ठीक है, बेबी के साथ भी होता है, और उसके थ्रू उसका उसको जो है फीड मिलती है. ठीक है, जब वो अभी पैदा नहीं हुआ होता है और मदर की बॉडी में ही मौजूद है. ठीक है, लेकिन आफ्टर बर्थ जब उसकी पैदाइश हो जाती है, ठीक है, जब ये प्लेसेंटल मैमल अपने बच्चों को पैदा कर लेते हैं तो वो फिर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनकी मेमरी ग्लैंड्स में. ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी बॉडी में स्किन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं. ठीक है, जैसे सिक्रीट होता है मिल्क. ठीक है, तो सिक्रीट करते हैं मिल्क. ठीक है, और इसके अलावा दे सिक्रीट मिल्क. ठीक है, यहाँ लिख भी ले. हाँ जी, ये हमारे पास क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं मिल्क. ठीक है, और फिर ये अपने बच्चों को फीड करते हैं उस पर. ठीक है, सिक्रीट मिल्क और फीड देयर यंग वंस. ठीक है, फीड यंग वंस. ठीक है, यंग वंस. ठीक है, बाकी मैमल्स की तमाम खसूसियत इनके अंदर मौजूद होती हैं. इनकी स्किन पे बाल भी होते हैं. ठीक है, दे हैव हेयर ऑन बॉडी. ठीक है, हम ये लिख सकते हैं. इसके अलावा जो है इनके और भी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं. ठीक है, हमने ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पढ़े थे मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स जब हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके प्लेसेंटा की ये डिफरेंस है कि इनकी जो है प्लेसेंटल कनेक्शन होता है मदर का बेबी के साथ. ठीक है, और फुली डेवलपमेंट होती है बच्चे की माँ की बॉडी में. ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल जो है हम ये डायग्राम देख सकते हैं. ठीक है, हमारे पास बैट मौजूद है. ठीक है, डॉल्फिन मौजूद है, व्हेल मौजूद है. डॉल्फिन और व्हेल जो होती हैं ये वाटर हैं. ठीक है, ये दोनों जो है क्या है, वाटर मैमल्स हैं. हम यहाँ लिख सकते हैं पानी में मौजूद होते हैं. हम ये समझते थे कि तमाम जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन ये तमाम जो है नहीं होते, बल्कि इनमें से कुछ जो है वाटर में प्रेजेंट होते हैं. उनमें से दो हैं हमारे पास, एक हमारे पास डॉल्फिन है, दूसरी हमारे पास वेल है. ये हमारे पास वाटर मैमल्स हैं. ठीक है, और बैट जो है, जो कि जिसको हम चमगादड़ भी कहते हैं उर्दू में, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये फ्लाई कर सकती है. आप देख सकते हैं ये फ्लाई कर सकती है. ठीक है, इसके विंग्स होते हैं. ठीक है, उनके इसके विंग्स होते हैं. ठीक है, ये उड़ सकती है, ये यूनिक है हमारे पास. ठीक है, इसके बाद हमारे पास बाकी मैमल्स आ जाते हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल मैमल्स भी कहते हैं. ठीक है, इनकी हेडिंग भी हम दे लेते हैं. जी, ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल मैमल आ गए, हमने इसको हेडिंग भी दे ली. ठीक है, हमने लिख लिया कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल मैमल है. ठीक है, जिनके जो कि जमीन पे पाए जाते हैं. ठीक है, इनको हम लैंड मैमल्स भी कहते हैं. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जमीन पे मौजूद होते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं, मेजर डियर है. ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास है, हमारे पास चैम्पेंजी है. ठीक है, हम इसका नाम भी लिख लेते हैं. ठीक है, ये कुछ हमने नाम मेंशन कर दिए हैं, सारे नहीं किए हमने, जनरल बाकी तमाम एनिमल्स ही हमारे पास. चैम्पेंजी है, लॉयन है, जेब्रा है. ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रैबिट है. ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, रैबिट है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डॉग, ठीक है, लाइन, उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं जो जो हमारे पास मौजूद हैं. ठीक है जी, इसके अलावा हमने बोला कौन कौन से हमारे पास पाए जाते हैं, हम यहाँ लिख भी लेते हैं. ठीक है, डायग्राम तो नहीं है, रैट है. ठीक है, कैट है, जनरली जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं. बैट जो हमने ऊपर भी देखी है. ठीक है, लाइन हमने यहाँ भी लिखा है, लाइन है. ठीक है, सील भी होती है. ठीक है, कुछ हमारे पास, ठीक है, एलिफेंट भी है. ठीक
ठीक है, ये तमाम जो है हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास मैमल्स की, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ह्यूमन जो है वो भी हम रखते हैं मैमल के ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि ह्यूमन भी अपने यंग वंस को फीड करते हैं मिल्क, ठीक है। इनकी बॉडी में भी जो है मैमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिससे फीमेल की बॉडी में जो है मिल्क प्रोडक्शन होती है, ठीक है। वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा बाल भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन में ऑल्दो के स्कल पे बाल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये भी मैमल की ही खसूसियात है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है ग्रुप के मैमल को, प्लेसेंटल मैमल्स को, ठीक है, और इसमें ह्यूमन भी शामिल है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की बेबीज की भी जो ग्रोथ है फीमेल की बॉडी में ही होती है, ठीक है। और प्लेसेंटा वो ऑर्गन है, वो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू बेबी का कनेक्शन होता है मदर के साथ, ठीक है। तो ये हम सारी एग्जाम्पल्स देखी हैं प्लेसेंटल मैमल्स की, वेल, बैट, ठीक है, और उसके हमने जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। तो आज हमने डिस्कस किया है प्लेसेंटल मैमल्स को।